नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैं आज आपको सीरीज बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीरीज बोर्ड यूज करते समय हमारा जो ये बल्ब होता है कितना जलना चाहिए, कम जलना चाहिए, ज़्यादा चलना चाहिए, तो उसके बारे में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो हम स्विच का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये बल्ब जलाने के लिए होता है या किसी और काम के लिए होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है वो किस हिसाब से जलना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो एक मेथड मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सीरीज का बल्ब है, किसी भी सामान को हम चेक करते हैं तो उसकी वाटेज पे निर्भर करता है फ्रेंड्स कि कितना जलना चाहिए हमारा। अगर हमारे कम वाट का सामान होगा तो ये बल्ब काफ़ी कम जलेगा, और ज़्यादा वाट का सामान होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ जलेगा। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक एक करके फ्रेंड्स सामान। तो सबसे पहले देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 3 वाट की एक LED ली है, तो इसको फ्रेंड मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा जो सीरीज का बल्ब है बिल्कुल नहीं जल रहा, और हमारी LED पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो अब मैं फ्रेंड्स 5 वाट का यूज़ करूँगा, तो 5 वाट पे भी देख सकते हो फ्रेंड्स वही हाल है, हमारा बल्ब जो है बिल्कुल नहीं जल रहा है। और फ्रेंड्स 9 वाट के बल्ब लेते हैं हम, तो 9 वाट पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। 8 वाट का बल्ब ले लिया है, अब इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने लगा दिया, तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा जो सीरीज का बल्ब है वो भी जल रहा है, और जो हमारा टेस्टिंग बल्ब है जिसको हम चेक कर रहे हैं वो भी हमारा जो जल रहा है। तो फ्रेंड दोनों के दोनों बराबर जल रहे हैं, क्योंकि ये भी 100 वाट का फ्रेंड्स, ये भी 100 वाट का है, तो ये सीरीज बन करके एकदम बराबर जल रहे हैं। तो इस पर अब आइए फ्रेंड 200 वाट का बल्ब हम चेक करते हैं। तो 200 वाट का फ्रेंड मैंने बल्ब ले लिया है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है जो ज़्यादा वाट का फ्रेंड्स वो बिल्कुल कम जल रहा है, और जो ये सीरीज का बल्ब है हमारा 100 वाट का है वो ज़्यादा तेज़ जल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी भी ज़्यादा वाट के सामान को चेक करेंगे तो हमारा ये बल्ब जो तेज़ जलेगा। तो देख सकते हैं आप, ये 200 वाट का है फ्रेंड्स, तो हमारा बल्ब जो तेज़ जलने लग गया, और जो हमारा जिसको हम चेक कर रहे हैं बल्ब को वो काफ़ी कम जल रहा है, यानी कि उसको काफ़ी कम करंट मिल रहा है ज़्यादा वाटेज होने के कारण। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, बात अब इन बल्बों की थी, अब मैं आइए आपको कुछ सामान चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मोटर है, इसको मैं चेक करके बताऊँगा। तो किसी भी तार पे फ्रेंड्स हम टच कर लेंगे, अगर 3 वायर का है तो बारी बारी से अलग अलग वायर पे लगाएंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड ये सीरीज हमारी बोल रही है, और वाटेज के हिसाब से ही फ्रेंड्स ये बल्ब हमारा जल रहा है, यानी कि हमारा कम वाट का है तो ये आधा जल रहा है, यानी 100 वाट का लोड लगभग ले रहा है। ये 100 वाट के बल्ब पे आपने देखा होगा कि लगभग इतना ही जल रहा था ये, तो ये हमारी 100 वाट की खपत कर रहा है। और इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स किसी भी सामान को हम उसकी बॉडी ज़रूर देखते हैं, तो इस तरीके से आप सब तारों पे लगा करके बॉडी में चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ बल्ब जल गया तो फ्रेंड्स समझिए कि हमारा वो सामान शॉर्ट है। कोई भी लोहे का सामान है तो अगर वायर पे लगाया और बॉडी पे लगाया हमने, अगर सीरीज का बल्ब हमारा कम ज़्यादा जलता है तो समझ लिए हमारी जो मोटर है वो शॉर्ट हो चुकी है, बॉडी से अर्थ लग चुका है। अब फ्रेंड्स ये थोड़ी बड़ी मोटर ले रहा हूँ मैं, तो देख सकते हैं कूलर की किट है ये, तो इसको चेक करने फ्रेंड्स हमारा बल्ब कितना जलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स लगभग 100 से 150 वाट का लोड ले रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो बल्ब है आधा जल रहा है। तो ये देख सकते हो, इस पर भी हम अर्थिंग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा प्रेस का एलिमेंट है, और एक प्रेस भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो फ्रेंड देखिए 750 वाट का हमारा एलिमेंट है, इस पे जो हमारा सीरीज का बल्ब जो है काफ़ी तेज़ जलना चाहिए, यदि कम जलता है तो हमारा एलिमेंट ये ख़राब है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये कितनी तेज़ जल रहा है, लगभग पूरा पूरा जलने की कोशिश में है, लेकिन पूरे से थोड़ा कम जल रहा है। तो अर्थिंग देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारा जो शॉर्ट है, यहाँ पे लगाया हमने और यहाँ पे लगाया। मैंने बताया आपको किसी भी सामान पे चेक करते समय
उसके पॉइंटों पे प्लस उसकी बॉडी पे लगाने से अगर हमारा बल्ब जलता है तो वो हमारा सामान खराब होता है, तो ये हमारा एलिमेंट जो है ख़राब है। अब फ्रेंड्स इस प्रेस को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो प्रेस बिल्कुल ओके है। इसकी बॉडी पे मैं लगाऊंगा तो ये देख सकते हो प्रेस हमारा बिल्कुल सही है। अगर हमारा बल्ब यहाँ जल जाता तो हमारा जो है प्रेस जो है करंट मारने की शिकायत इसके अंदर होती, और ये वाला पॉइंट हमारा फ्रेंड अर्थिंग का रहता है, तो इस पर हम लगाएंगे तो देख सकते हैं हमारा बल्ब जलेगा, क्योंकि जो हरी वाली तार होती है फ्रेंड्स जाकर के बॉडी पे लगती है इस पॉइंट से, यहाँ से हरी तार कनेक्ट होती है और सीधा जाके बॉडी पे लगती है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे बताना चाहिए और ये दोनों जो है फ्रेंड्स हमारा नहीं बताना चाहिए, तो इसको भी रख लेंगे हम साइड में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं सीलिंग फ़ैन को मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ, तो इसमें फ्रेंड्स कंटिन्यूटी हम वैसे ही चेक करेंगे तो देख सकते हैं मेरा फ्रेंड्स ये ख़राब है, यानी कि अगर हमारा बल्ब नहीं जला तो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि कॉइलिंग के द्वारा चलता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप एक कॉइल बना रहे हो, अगर कॉइल कहीं से बीच में ब्रेक हो गई है, जैसे भी एक भी वायर हमारा इसके अंदर से टूटा हुआ होगा तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो जैसा कि ये मोटर देख सकते हो यहाँ पे ख़राब है, इस पीले वाले वायर के अंदर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। और दूसरा, अगर करंट आपको चेक करना हो मोटर आपकी सही है तो आप एक एक करके किसी भी वायर पे लगा करके बॉडी पे लगाएंगे तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा करंट इसके अंदर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जो फ्रेंड्स सबसे हम चेक कर लेंगे, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स हमारा जो है किसी एक वायर से जो टचिंग होती है दूसरे वायर पे शो नहीं कर रहा होता है, तो इस कारण जो फ्रेंड्स हम सब पे एक एक बार लगा के चेक कर लेंगे, अगर वो हमारा शॉर्ट होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम, अगर आप किसी की भी वायर को चेक करते हो कुछ भी करते हो तो उस पर क्या है हमारा बल्ब जो है पूरा पूरा ग्लो करेगा। चेक करने का फ्रेंड्स तो लगभग तो सबको ही पता होगा सिरे जलने चाहिए तो तार हमारा बिल्कुल ओके है। तो अब फ्रेंड बात करते हैं इस वाले स्विच की, ये वाला स्विच हमने क्यों लगाया होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बल्ब जो है ज़्यादा वाटेज का सामान लगाने पर जो हम चेक करते हैं उसको, तो हमारा बल्ब जो है काफ़ी तेज़ जलता है। तो फ्रेंड आप अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो आपके पास सामान बनने के लिए हर तरह का आता होगा। अब जैसे कि ये पानी की रॉड है, तो फ्रेंड देख सकते हो ये इमर्सन रॉड है, ये 1500 वाट की है। अगर कोई आपके पास जो है 2000 वाट का सामान आ जाए या 3000 वाट का आ जाए तो हमारा बल्ब जो है काफ़ी तेज़ जलेगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है चेक करने में। तो जैसे कि मैं यहाँ ये मैंने लगाया, अगर ये शॉर्ट होगा फ्रेंड्स तो आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा वाट का है। तो उसके लिए हम करते क्या है फ्रेंड्स, तो ये वाला स्विच इसमें यूज़ करते हैं, सीरीज को लगे रहने देंगे फ्रेंड, इस स्विच को ऑन ऑफ़ करेंगे तो देख सकते हैं बल्ब में हल्का सा फ़र्क पड़ता है, यानी कि हमें लगेगा फ्रेंड्स ये शॉर्ट है। तो इस बल्ब को हम बंद चालू करके देख लेंगे, अगर बंद चालू करने से बल्ब पे फ़र्क पड़ता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सामान सही, ज़्यादा वाटेज के अंदर फ्रेंड इस स्विच का हम यूज कर सकते हैं। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, उससे ऊपर जितना भी हो बल्ब भी हम चेंज कर सकते हैं, 200 वाट का लगा सकते हैं, उससे भी अगर आपको पता ना चले तो फ्रेंड ये वाला स्विच उसमें काम आता है। तो जैसे कि मैं बल्ब चालू कर रहा हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा बल्ब जो है कम और ज़्यादा जल रहा है। जैसे मैंने चलाया ये फुल हो गया, डायरेक्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं हुआ, और जैसे ही मैं इस पर लगा के रखता हूँ बंद किया तो ये सीरीज पर काम करने लगे, यानी कि हमारी ये रॉड सही है और बिल्कुल जो सही बता रही है, तो हमें इससे पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो हमारा जो है बल्ब कम ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप किसी भी सामान को चेक कर सकते हो सीरीज बोर्ड से, आपको कितना बल्ब जलना चाहिए कितना नहीं जलना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है, वाटेज के हिसाब से आपको तय करना है कि हमारा बल्ब कितना जलना चाहिए। तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कितने भी वाट का सामान होगा ज़्यादातर उस सामान पर लिखा हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा बल्ब जो है कम ज़्यादा जलेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अगर आपको कुछ सीखने को मिला फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।